एसो पंचीण मोयारो सव पावर्पणाशिनो मंगलालं च सबे जय बोलो देवादिदेव एकादशाठ श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। जय जय एक बंदर के हाथ एक रत्नों से भरी पोटली में लग गई। लाल लाल पोटली को खाने की वस्तु समझकर उसने उसे उठाया और पेड़ पर चढ़ करके खाने लगा। और पोटली में कोई खाने की चीज तो थी नहीं, हीरे पड़े थे। वो एक को मुंह में डाले, कोई स्वाद नहीं लगे, नीचे गिरा दे। दूसरे को मुंह में डाले, स्वाद न लगे, नीचे गिरा दे। तीसरे को मुंह में डाले, स्वाद न लगे, नीचे गिरा दे। एक एक करके पूरी पोटली नीचे हो गई, गिर गई। और हीरो को ये बहुत बुरा लगा। हीरे भुनभुला उठे, बंदर को कोसने लगे। जिसको लोग अपने माथे का नगीना बहाते बनाते हैं, ये उसे फेंक रहा है। ये कैसी गुस्ताखी है। धरती माता ने हीरे से कहा, भाई दोष उनका नहीं, दोष उनकी अपात्रता का है। हीरे का मूल्य पहचानने वाला ही हीरे को समझता है। जिसे हीरे के मूल्य का बोध नहीं, वो उसे यूं ही व्यर्थ कर देता है। हमारा जीवन भी बेशकीमती हीरे से कम नहीं है, लेकिन इसका सत्कार केवल वे ही कर पाते हैं जो इसका मूल्य समझते हैं, महत्व जानते हैं। जो इसके मूल्य और महत्व से अनभिज्ञ हैं, वे अपने इस बेशकीमती हीरे से भी मूल्यवान जीवन को यूं ही व्यर्थ लुंठित कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के इस मूल्य और महत्व को जानें और अपने जीवन को सार्थक दिशा बनाने प्रदान करने की कोशिश करें, जिससे हम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सके। उस दिशा में हमारा सत प्रयास होना चाहिए। विगत दिनों से चर्चा चल रही है पाप से बचने की। कल मैंने कहा था, एक प्रवृत्तिगत पाप है और एक हमारे वृत्तिगत पाप है, जो हमारे भीतर का पाप है। भीतर के पाप को जब तक हम ना देखें, भावात्मक पाप को जब तक हम दूर न करें, तब तक क्रियात्मक पापों से बचने का भी कोई खास लाभ नहीं है। ऊपर से हम साधु बन जाएं, लेकिन मेरे भीतर साधुता प्रकट न हो, तो मेरे साधुपने का कोई लाभ किसी मुझे नहीं होगा। बाहर से आप धर्मात्मा बन जाएं, पर भीतर यदि अधर्म पनपता रहे, पलता रहे, तो आपको धर्मात्मा होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें भीतर से धर्म को उजागर करने की जरूरत है, और भीतर से धर्म तभी उजागर होगा जब हम भीतरी पाप से अपने आप को बचाएंगे। तो अपने भीतर के विकारों का शमन करना, अंतरंग के विकार ही हमारे भीतर के पाप हैं, जो हमारी आत्मा का पतन करने वाले हैं, जो हमें दुखी करने वाले हैं, जो भाव भवांतरों में भ्रमाने वाले हैं, त्रास देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। उन पापात्मक भावों से अपने आप को कैसे बचाया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और उनमें ही आज एक चर्चा करने जा रहा हूँ, जो बहुत भयानक रूप से हर मनुष्य को ग्रसित किए हुए है। वो है ईर्ष्या। अपने मन में झांक कर देखो, तुम्हारे मन में कहीं किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव है या नहीं है? बोलो, है? ईर्ष्या पुण्य है कि पाप? पाप तो पाप
पाप दुख देता है कि सुख? तो पाप दुख देता है, ईर्ष्या पाप है। तुम्हारे मन में पाप से डर है या नहीं है? तो जब हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला धधकती है तो मन में डर आता है कि नहीं? अगर हृदय में भय होगा तो ईर्ष्या पनपेगी नहीं। ईर्ष्या पनपती है क्यों? क्योंकि तुमने ईर्ष्या को अभी हमारे सामने भले कह दिया कि ईर्ष्या पाप है, पर तुमने ईर्ष्या को इस तरह से आत्मसात कर लिया कि ईर्ष्या में तुम्हें पापात्मकता दिखती ही नहीं। सहज रूप से अंतर मन में प्रकट होने लगती है और वह हमारे चित्त और चेतना को पूरी तरह खोखली कर देती है। देखिए, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई तुम किसी से ईर्ष्या कर, नहीं, मेरे मन में किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। और एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी है जिसका मुख जीवन ईर्ष्या मुक्त हो, द्वेष मुक्त हो, वैर मुक्त हो, घृणा मुक्त हो, प्रेम आत्मीयता सद्भाव और सौजन्य से युक्त हो। ठीक है, आपने कह दिया मेरे मन में ईर्ष्या नहीं है, अच्छी बात है। और मैं आपसे बोलूं कि आपके अंदर ईर्ष्या है कि नहीं ये देखो। तो ईर्ष्या के लक्षण हम सामने रखते हैं। आपने कहा मेरे मन में ईर्ष्या नहीं है, ठीक है, मान लिया, कहने बात से तो काम नहीं होगा। ईर्ष्या के लक्षण हैं, चार लक्षण हैं ईर्ष्या के। उन ईर्ष्या के चारों लक्षणों का उल्लेख मैं यहां कर रहा हूं। तुम देखो कि इसमें से कोई भी लक्षण मेरे जीवन में तो नहीं है। यदि वे लक्षण हैं तो समझ लेना मेरे भीतर ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही है, और नहीं है तो अपनी खुशकिस्मती को समझना सोचना मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, वाकई में मेरा जीवन बड़ा पवित्र है। सबसे पहला, किसी की प्रगति को न देख पाना। बोलो, आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई आपका आदमी यदि प्रगति करता है तो आपके मन में क्या होता है? आप उसकी प्रगति को देख पाते हो, सह पाते हो, या उस प्रगति को देखकर अंदर ही जल भुन जाते हो? बोलो, अगर किसी की प्रगति को देखने के बाद आपके मन में सहजता या प्रसन्नता का भाव होता है तब तो ठीक, प्रगति देख रहे हैं और मन में चिढ़ आ रही है, जलन आ रही है, कुलन आ रही है, अरे बहुत आगे बढ़ गया, मेरे से आगे बढ़ गया, कल तक तो नीचे घूमता था, देखो कल तक साइकिल पर चलता था, आज लग्जरी कार में घूम रहा है। देखो, अपने मन में झांक कर देखो, तुम्हारे मन में किसी की प्रगति को देख करके क्या प्रतिभाव आता है? दुनिया की प्रगति से तुम्हें शायद कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन यदि तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई प्रगति करता हो, तुम्हारा पड़ोसी प्रगति करता हो, तुम्हारा कोई कलिंग परी प्रगति करता हो, तुम्हारा कोई सहकर्मी प्रगति करता हो, तुम्हारा कोई मित्र प्रगति करता हो, तुम्हारा अपना कोई निजी रिश्तेदार प्रगति करता हो, या तुम्हारे पड़ोस का व्यापारी मित्र प्रगति करता हो, तो तुम्हारे मन में क्या प्रतिभाव आता है? बोलो, क्या आता है? ईर्ष्या आ गई ना? बुलाते हो तब आते हो, आती है कि बिना बुलाए आती? हाँ, निमंत्रण देके आए थे, कहां से आ गई? बहुत मुश्किल है किसी की प्रगति को, किसी की उपलब्धि को देख पाना, बहुत कठिन है। जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं वे दूसरों की प्रगति को देख करके उसकी सराहना करते हैं,
और जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व नकारात्मक होता है वो उनको देख करके उनको अंदर ही अंदर जलते हैं, कुड़ते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। देवरानी मायके गई, उसके भाई ने उसे मोतियों का बहुत सुंदर कंगन दिया, मोती का हार दिया। वो हार पहनी, बहुत सुंदर हार थी। जेठानी देखी तो बोले ऐसा सुंदर हार तो मैं आज तक पहन नहीं पाई। मन ही मन बोली इसको ये हार मिल गया, अब क्या करे। बड़े भोलेपन से वो अपनी जेठ देवरानी से कहती, बहन देख ये हार तेरे बड़े सुंदर हैं, लेकिन आजकल का जमाना खराब है, लोग असली के नाम पर नकली मोती दे देते हैं। असली के नाम पर नकली मोती दे देते, तो एक काम कर, ये माला हार मुझे दे, मैं अपने दांत से चबा करके देखती हूँ, अगर नकली होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो साबुत रहेंगे। नकली होंगे तो टूट जाएंगे, असली होंगे तो साबुत होंगे। देवरानी ने कहा, रहने दो दीदी, असली मोती की परख के लिए दांत भी असली चाहिए। नकली दांत से असली मोती की पहचान नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन में झांक कर देखो, कहीं ऐसी बात होती है तो कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया तुम्हारे मन में आती है कि नहीं। वो आगे बढ़ रहा है, वो राइज कर रहा है और जीत तुम्हारा जल रहा है। हो रहा है क्यों? ईर्ष्या। ईर्ष्या का पहला लक्षण दूसरों की प्रगति को न सह पाना। नंबर दो, किसी की प्रशंसा न सह पाना। प्रगति किया, राइज किया, ठीक, वो नहीं पचा पाए, चलो उसको पचा लिया, अब किसी की प्रशंसा हो रही है। व्यक्ति ईर्ष्यालु है या नहीं, अगर उसको जांचना परखना है ना, तो जिस व्यक्ति की ईर्ष्या के प्रति उसको परखना है, उस व्यक्ति की प्रशंसा उसके सामने करना शुरू कर दो, तो उसके चेहरे के अभिव्यक्ति से, एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि ये आदमी कितना पानी में है। बोलिए, जिनके प्रति आपके मन में प्रेम भाव होता है उनकी प्रशंसा सुनकर के आप प्रसन्न हो उठते होते हैं कि नहीं? गुरुओं की प्रशंसा जब आपके सामने होती है और उसमें भी उस गुरु की प्रशंसा जिनसे आपका ज्यादा जुड़ाव है उनकी प्रशंसा आपके सामने होती तो क्या होता है महाराज? रोम रोम खिल जाता है ना? क्यों खिला? क्योंकि उनके प्रति प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, रोम रोम खिल गया। अब चलो यही थोड़ा पलटता हूं, और तुम्हारे गुरु को कमतर आंखते हुए कोई दूसरे गुरु की प्रशंसा करता है तो अब बोलो अब क्या हो गया? अभी तुम्हारे गुरु जिससे तुम जुड़े उनकी प्रशंसा तुमने सुनी, तुम्हारा रोम रोम खिल उठा, लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हारे गुरु को कमतर आंखते हुए किसी और की प्रशंसा करता है तो उस घड़ी तुम्हारे मन में क्या बीतती है? क्या हो गया? मुंह बन जाता है, भाव बिगड़ जाता है, है दुर्बलता, दुर्बलता है। उन महाराज से ईर्ष्या है क्या? सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये भाव कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। जिस व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है उसकी प्रशंसा सुनने पर हमारे हृदय में हार्दिक प्रसन्नता प्रकट होती है, और जिस व्यक्ति के प्रति प्रेम न हो, द्वेष हो, उसकी प्रशंसा सुनते ही चेहरे का भाव बिगड़ जाता है। होता है आपके सामने आपके भाई की प्रशंसा हो रही है और आपका चेहरा खिल रहा है तो समझ, किसी के भाई की प्रशंसा करो और उसका चेहरा खिल जाए तो समझना उसके मन में उसके प्रति प्रेम है। परिवार के किसी सदस्य का की प्रशंसा की जा रही है और
चेहरा खिल रहा है तो समझ लेना उसके प्रति उसके हृदय में प्रेम है, और चेहरा अगर बुझे या त्योरियां चढ़े, भाव भंगिमा में परिवर्तन आए, तो समझना अंदर आग लगी हुई है। किसी की प्रशंसा, एक बार की बात है, मैं एक स्थान पर था, समाज का एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता, बल्कि समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में एक, एक दिन बात आई तो मैं उसके गुणों की प्रशंसा कुछ लोगों के सामने करने लगा। दो आदमी मेरे पास बैठे थे जिसमें दोनों समाज के मुखियों में से एक थे। जैसे मैं उसका उसके कार्य क्षमता की उसकी सोच की सराहना करने लगा, जो हकीकत थी जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं करने लगा तो दूसरा आदमी जो समाज का अध्यक्ष था फट से बोल उठा, बोला महाराज आप उसको पहचानते नहीं, वो आदमी बिल्कुल अलग है, बहुत गंदा आदमी है, और कुछ उसके बारे में एक दो टिप्पणी करने लगा। बोले भैया उसको तो मैं पहचाना या नहीं पहचाना ये बात की बात है, पर तुझे आज जरूर पहचान गया, तुझे पहचान गया, तूने अपनी पहचान प्रकट कर दी कि तेरे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है। अगर किसी में कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई का आकलन तो होना चाहिए। सिरे से तुम बुराई कर रहे हो या अच्छाई को पहचान नहीं पा रहे हो, तो इस बात का उदाहरण है कि तुम्हारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है। किसी की प्रशंसा न सुन पाना सह पाना, जेठानी के आगे देवरानी की प्रशंसा हो और देवरानी के आगे जेठानी की प्रशंसा हो, एक दूसरे को पचाओ तो समझना प्रेम, और एक दूसरे के आगे मुंह बनाओ तो समझना घर में महाभारत चल रहा है, अंदर महाभारत चल रहा है। मैं समेत शिखर जी में था, संघ का समाधान का कार्यक्रम, एक परिवार जुड़ा हुआ परिवार था, देवरानी बड़ी धर्मात्मा, धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे रहती थी, जेठानी उतनी धर्मात्मा नहीं थी, थोड़ा बहुत भी धार्मिक रुझान था वो जेठानी के देवरानी की प्रेरणा से था। मुझे उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब जेठानी ने भरे मंच से देवरानी की प्रशंसा की शंका समाधान के दौर में, और ये कहा कि महाराज श्री ये हमसे छोटी जरूर है पर हम इन्हें आज अपना गुरु मानते हैं क्योंकि इन्हीं ने हमें धर्म से लगा दिया। ये प्रेम भाव अगर अंदर में होगा तो ये होगा, देवरानी की प्रशंसा हो और जेठानी को गर्व तो अच्छी बात है, समझना दोनों में बढ़िया तालमेल है, प्रेम भाव है, और देवरानी की प्रशंसा और जेठानी का मुंह बने तो मामला गड़बड़ है। उलट लो, जेठानी की प्रशंसा हो देवरानी का मुंह बने तो गलत है। ईर्ष्या का दूसरा लक्षण किसी की प्रशंसा न सह पाना। तीसरी बात, अपनी अपात्रता और अयोग्यता की अनदेखी कर औरों पर दोषारोपण करना। अपनी अपात्रता, अपनी अयोग्यता, इन दोनों बातों की अनदेखी की, सामने वाले पर आरोप दोषारोपण कर दिया। कई बार होता है किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रोत्साहन मिल जाए, किसी व्यक्ति को ज्यादा अवसर मिल जाए, अरे यही मंच पे आते, देखो तो महाराज भी इन्हीं का ध्यान देते हैं, जब आते हैं तो बस इन्हीं को बुलाया जाता है, हम लोगों को तो कुछ किया ही नहीं जाता, हम फालतू हैं क्या, जमीन पे ही बैठे रहते हैं। मन में बात आती है, बोलो महाराज आ ही जाती है। ठीक है, ये मन की दुर्बलता है। उस गली में ये सोचना चाहिए कि ठीक है वो आदमी मुख्य रूप से सहभागी है, आगे आके काम कर रहा है, अपना तन मन धन दे रहा है, उसको अवसर मिलेगा, मुझे भी अवसर चाहिए तो उतना स्थान बनाना होगा, मुझे खुद को आगे आना होगा, और सब आगे आ जाएंगे तो नीचे कौन बैठेगा,
हम अपनी अयोग्यता देखें, अपनी अपात्रता देखें, किसी पर पक्षपात का आरोप न लगाएं। ध्यान रखना, पक्षपात व्यक्ति द्वेषवश करता है और पक्षपात का आरोप ईर्ष्यावश लगाता है। आपके मन में द्वेष हो, स्वार्थ होगा तो आप पक्षपात करोगे, और किसी पर पक्षपात का आरोप आप तभी लगाओगे जब आपके हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या हो कि मेरे साथ पक्षपात हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। दो भाई हैं, पिता ने एक को ज्यादा संपत्ति दे दी, दूसरे भाई को दिया पर्याप्त कम नहीं है, लेकिन दूसरे को ज्यादा दे दी, इसलिए अपने बाप पर पक्षपात का आरोप लगाता है कि नहीं लगाता है? किस लिए लगाता है? अगर वो भाई को न देकर वो संपत्ति किसी और को दे दी होती तो तब चल जाता, भाई को दी। ऐसा ही हुआ, पिता ने, तीन बेटे थे, तीनों का हिस्सा बांट दिया, थोड़ी सी संपत्ति अपने पास रखी। छोटा बेटा उनके साथ रहता था और आखिरी में जाते समय उनने वो अपनी संपत्ति छोटे बेटे को देने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वो निर्णय लिया, बाकी दो बेटे एकदम रूट गए कि पिताजी ने हम लोगों के साथ अन्याय किया, पक्षपात किया, हम भी बेटे वो भी बेटा, वो उनको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया, हमें भी देना चाहिए। पिताजी तो मर गए, लेकिन पिता के मरने के बाद भी वे अपने बाप को गाली देते रहे, मेरे पिता ने पक्षपात किया, मेरे पिता ने पक्षपात किया, सारा माल भाई को दे दिया, भाई ने अपने हमारे पिता को बहला फुसला करके सब हड़प लिया। बोलते बोलते एक ने कहा, अगर वो धर्म में लगा देते तो हमको अच्छा लगता, भाई को क्यों दिया? हमने मैंने कहा, तुम पैसे के लिए नहीं रो रहे हो, बात समझ में आ गई? तुम पैसे के लिए नहीं रो रहे हो, तुम केवल इस बात के लिए रो रहे हो कि ये पैसा भाई को क्यों दिया। क्या ये ईर्ष्या का भाव है कि नहीं? उस समय अगर वो ये सोचते कि नहीं, मेरा भाई इसका पात्र है, योग्य है, क्योंकि उसने आखिरी सांस तक माँ बाप को पाल की सेवा की, पूरी की पूरी उनकी देखभाल की, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, अपना केवल हिस्सा लेकर एक तरफ बैठ गए, हम तो यहाँ रहते भी नहीं थे, यहाँ रहता था, पास में रहता था, पहला हक उसका है, और अगर वो दे भी तो नहीं पिताजी आप तो छोटे को दीजिए, हमारे पास पर्याप्त है, आपने जो दिया सो दिया, सेवा की का मेवा उसको मिलना चाहिए। एक ये भाषा है, ये प्रेम की भाषा है, और दूसरी भाषा नहीं, पक्षपात, सरासर पक्षपात है, अन्याय है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया, क्या हो गया? ईर्ष्या। तो पहला लक्षण, किसी की प्रगति को न देख पाना। दूसरा लक्षण, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। तीसरा लक्षण, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी प्यासा था, प्यास से पीड़ित होकर के पास बह रहे झरने के पास गया। उसके पास एक कटोरा था, कटोरे को झरने के आगे किया, कटोरा भर गया, लेकिन उसी बीच एक पन्हारिन आई, उसने पूरा घड़ा आगे किया, झरने ने घड़े को भर दिया। फिर एक पनभरवा आया, उसने पूरा भार आगे रखा, दोनों भार भर गए। अब कटोरा भरने वाले की माने मन कटोरा वालों का मन तिलमिला गया, ये कैसा है, झरना कैसा पक्षपाती है, पनभरवा को पूरा भार, पनिहारी को मटका, और मेरे लिए एक कटोरा, बस इतना सा पानी, ये कैसा पक्षपात? अब बताओ इसमें झरने का क्या दोष? झरना तो अभी भी देने को तैयार है, भाई तू भार ले आ, भार क्या पूरा टंकी ले आ, सब भर देगा, पर तू अपने कटोरे को तो देख, तेरे हाथ का पात्र कितना बड़ा है, जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही तो पानी भरेगा। लेकिन लोग हैं जो अपने छोटे पात्र को न देख
अपने छोटे पात्र की अनदेखी कर झरने पर आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। आदत बदलिए। और कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है जलने कुढ़ने का, ये चौथा लक्षण, स्वाभाविक रूप से जलन कुढ़न महसूस करना। ये बड़ी खतरनाक होती। एक वृद्ध महिला मरणासन्न थी, उसने अपने बेटे को बुलाया। पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या रखती थी। उसने कहा, बेटे देख, रोज सुबह सुबह उनके घर में जब मथानी चलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मथानी मेरे हृदय में चल रही है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करे, पूरा जीवन बीत गया, मैं उनकी मथानी नहीं रोक पाई। तो एक काम करना, मैं जब मरूंगी ना, तो मेरे अंग काट करके उनके घर में डाल देना। मेरे अंग काट करके उनके घर में डाल देना। बेटे ने कहा, ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कर रही है, क्यों करना? बोले, नहीं, ऐसा करने से वे फंस जाएंगे और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये है ईर्ष्या के लक्षण। दूसरों को पराभव देखने का भाव, ये ईर्ष्या है। उसको हम धूल चटाएं, उसको हम नीचा दिखाएं, उसका पराभव करें, उसका तिरस्कार करें, उसे नुकसान पहुंचाएं, ये सब ईर्ष्या के लक्षण हैं। ऐसे भाव यदि तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, तो समझना अभी पाप की आग जल रही है, जो सर्वस्व भस्म कर देने वाली है। समझ गए? चलिए, लक्षण तो बता दिया। ये ईर्ष्या उत्पन्न क्यों होती, कारण और बता दूं। क्या है कारण ईर्ष्या का? ईर्ष्या का सबसे पहला कारण है अहमन्यता। अहमन्यता मतलब मैं ही बड़ा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, बस जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को अग्रणी बनाए रखने की बात सोच करके चलता है, उसका हृदय ईर्ष्या से भरा रहता है। वो बार 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 एक ही बात सोचता है, जो हूं सो मैं हूं। वो अपने से आगे किसी को देख ही नहीं सकता, अपने से आगे किसी को देख ही नहीं सकता। आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े हैं, व्यक्तित्व तो बड़ा है, लोग उसको मान दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मान नहीं रहा है। मैं बड़ा हूं तो ठीक, मैं ही बड़ा हूं, मेरे सामने कोई दूसरा खड़ा ना हो, और खड़ा हो तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको धूल चटाने के लिए, उसको पराभूत करने के लिए हर स्तर का कर्म करने को राजी। ये क्या हुआ? ईर्ष्या। अहमन्य व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा, ध्यान रखना। ईर्ष्या और अहंकार साथ साथ पनपते हैं। जो अहंकारी होगा वही ईर्ष्या करेगा। अहमन्य मत बनिए। उस व्यक्ति के सामने कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानता हो, उसके सामने किसी गैर की प्रशंसा कर दो, फिर देखो पचेगी? हाँ, चलो, तुम अपने आप को जिससे बड़ा मानते हो उसकी प्रशंसा तुम्हारे सामने हो तो पचती है? यही कमजोरी है, इसका निवारण होना चाहिए, इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, तब हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकेंगे और सार्थक उपलब्धि होगी, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ विनष्ट हो जाएगा। तो पहली बात अहमन्यता। देखिए, अहमन्य व्यक्ति
किस तरह से ईर्ष्यालु बनता है और उस ईर्ष्या से प्रेरित होकर कितने थोते हथकंडे अपनाता, ओछे हथकंडे अपनाता है और फिर उसका परिणाम कितना हास्यास्पद बन जाता है। एक जगह हम थे, एक आदमी बड़ा अभिमानी आदमी था, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानता था। उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति बड़ा साधारण पर समर्थ था, धर्म और समाज से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक चल रहा था। अब वो पड़ोसी जो अपने आप को बड़ा मानता था, समाज के मुखियों में एक था, अब पड़ोसी हमारे जाने के बाद ज्यादा जुड़ गया, समय देने लगा और दान भी देने लगा, समाज में उसका नाम होने लगा। जिसको कल तक कोई पहचानता नहीं था, अब सब जगह वो आगे 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 दिखने लगा। अब बताओ, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी तक गुमनाम हो एकदम फ्रंट में आ जाए और उन व्यक्तियों के आगे फ्रंट में आ जाए जो अक्सर फ्रंट में रहते थे और दूसरों के लिए जगह छोड़ना नहीं चाहते थे, तो क्या दशा होगी आप कल्पना कर सकते हैं। उस व्यक्ति के आगे आते ही उस आदमी ने ठान लिया कि इसको अब नीचे दिखाना है, नीचे दिखाना है। तो नीचे दिखाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। एक बार बोली लग रही थी, उस आदमी ने बोली ली तो इसने कहा ये बोली इसने लिए या तो आज इसको खूब बोली चढ़ाऊंगा या बोली लेने नहीं दूंगा। जैसी बोली ली इसने बोली बढ़ाना शुरू कर दी। उसकी हृदय की इच्छा थी कि ये बोली मैं लूं, लेकिन बोली बढ़ते 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 जब इसके लिमिट से ज्यादा दिखने लगी कि नहीं ये बोली ज्यादा बढ़ रही, तो एकदम सहज भाव से चुप हो गया और चुप होकर के उसने बेली नहीं ली, बोली अगले के नाम पर छूट गई। जैसी बोली उसके नाम पर, बोली बढ़ाने वालों के नाम पर छूटी, उसका चेहरा देखने लायक हो गया, चेहरा एकदम बुझा बुझा। मोटी रकम थी, अब लायबिलिटी आ गई। उस व्यक्ति ने तत्क्षण बोली नहीं ली और बोली ना लेते ही उसने घोषणा कर दी कि मैंने आज यहाँ तक की बोली ली, बोली लेने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया, ये सौभाग्य उनको मिला है, अच्छी बात है। हम ये राशि, हमारे चतुर्मास की स्थापना हो रही थी, उससे पहले गर्मी में वहाँ रुक चुके थे, बोले ये राशि जो हम बोली के लिए ले रहे थे हम चतुर्मास की व्यवस्था के लिए डोनेट करते, उसकी तो जय जयकार हो गई। जितने की बोली बोली उतनी उसने दे दी और अगले ने जो बोली दे बोली, उसको बोली तो बोलना ही नहीं था, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना था। अब नुकसान क्या पहुंचाए, खुद का नुकसान कर लिया, देने की औकात नहीं, बोली बड़ी। जब पहली बोली मुख्य बोली, समाज के लोग उस पर दबाव डालने लगे, तब उसका हाल बड़ा बेहाल हो गया। तब सबसे कहता फिरा कि भैया अभी रुको, जब हो गया तब देंगे, जब होगा तो देंगे, जब होगा तो देंगे। सामने वालों की तौहीन करने वाले व्यक्ति की खुद तौहीन होने लगी, सब कहने लगे कि देखो ये आदमी क्या करता है। ध्यान रखना, अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखोगे अपना पतन तो कर ही लोगे। अपने मन से पूछो क्या इस तरह की स्थितियां मन में नहीं बनती, अगर बनती है तो तुम धर्मी कहां हो। दूसरा कारण अनुदारता, अनुदारता। किसी के प्रति आप अनुदार होगे, आपकी सोच संकीर्ण होगी और सोच संकीर्ण होगी तो आप कभी किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं रख सकोगे, ईर्ष्या आएगी। अगर आपके हृदय में उदारता है और कोई कुछ पा रहा है, चलो अच्छा हम नहीं पा पाए वो पाया, उदारता है। देखिए, दो भाई के बेटे एक क्लास में पढ़ते, एक छोटे भाई का बेटा डिस्टिंक्शन में आ गया, बड़े भाई के बेटे को 60% ही मिला,
दोनों एक स्कूल में पढ़ते, एक साथ ट्यूशन होता, दोनों बराबर। लेकिन छोटे भाई के बेटे के डिस्टिंक्शन में आने के बाद बड़े भाई और उसकी धर्मपत्नी में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। बड़ा भाई बड़ा उदार था, जैसे उसे मालूम पड़ा कि छोटे भाई के बेटे का डिस्टिंक्शन आया है, उसने सबसे पहले बेटे की पीठ थूकी और अपने भाई को बधाई दी कि चलो कम से कम मेरा नहीं तो तुम्हारा बेटा, अपने घर का बेटा डिस्टिंक्शन में तो आया, मेरिट में तो आया, चलो कोई आया। और उसकी धर्मपत्नी का चेहरा बुझ गया, अरे उसका डिस्टिंक्शन आ गया, हमारा बेटा रह गया, लगता उनने कोई जुगाड़ की होगी, आपने ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, बड़ा भाई उदार था तो कह रहा कोई बात नहीं, बड़े नहीं छोटे का सही, और छोटा भाई धर्मपत्नी उसके अंदर अनुदारता, उसके अंदर जलन कुलन हो रही है। जहां अनुदारता होगी वहां ईर्ष्या आएगी, और उदारता को अपनाओगे ईर्ष्या से बच जाओगे। तीसरा, ओछी मानसिकता, ओछी मानसिकता, छोटी सोच के लोग बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, उनके हृदय में बड़ी ईर्ष्या होती है। कहते हैं अब ब्रॉड माइंडेड बनो, खुले दिमाग से सोचो, सबको खुलेपन से देखने की कोशिश करो। यदि ऐसी व्यापक दृष्टि होगी, बड़ी मानसिकता होगी, तो आपका चित्त कभी भी भ्रमित नहीं होगा और आपको कभी किसी तरह की कठिनाई का अनुभव और एहसास नहीं होगा। बड़ी मानसिकता रखिए, ध्यान रखना। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सूक्ति कही गई, मेरा बड़ा प्रिय सूक्त है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है, और जिसका मानस छोटा होता है उसका भाग्य भी सिकुड़ जाता है। बड़ी मानसिकता रखो, को पाले तो पाले, इसको देख करके कभी छोटी छोटी बात नहीं सोचना चाहिए, जीवन में व्यापकता रखनी चाहिए। किसी ने कुछ ज्यादा पाले और आपका मन उससे प्रभावित हो रहा है, इसका मतलब सोच छोटी है। चलो पाया, अच्छा पाया, हमको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, अच्छी बात है। एक अच्छा आदमी जाओ, उनसे उनके गुण सीखो, उनसे पूछो कि इस सफलता का राज क्या है, कैसे ऊंचाई तक पहुंचे, हमें बताओ तो हम भी आगे बढ़ सके। एक प्रतिक्रिया ये है, और ये वो आगे बढ़े और मन में आपस हो, अच्छा देखे कैसे पटकनी दे, कैसे इसे नीचा दिखाएं, कैसे ये तिकलमबाजी करके आगे बढ़ा है, कोई ना कोई नुकसान मुझे पहुंचाना चाहिए। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। ये ओछी मानसिकता से अपने आप को बचाएं। हमने देखा कई बार लोग हम लोगों को भी नहीं छोड़ते, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं कान भरना चाहते हैं, हालांकि मैं किसी की सुनता नहीं, हमारे पास तो जल्दी से लोग फटक ही नहीं पाते, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम किसी की बात सुने। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के विरुद्ध कान भरना चाहते हैं, मौका बेमौका आकर के किसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर देते हैं, अगर उनको मैं सुन लूँ और उसको फॉलो कर लूँ तो फिर किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकूँ। लेकिन हम लोग इतने कान के कच्चे नहीं हैं, हम समझते हैं आपकी बात सुनते जरूर हैं, अगर सुनना पड़ता है तो सुन लेते हैं, लेकिन जानते हैं कि किसकी बात में कितना गुना करना है, कितना भाग लगाना है, सारा गुना भाग हमारे सामने होता है इसलिए बचते हैं। पर लोगों की मानसिकता का अंदाज तो लग जाता है। जिस व्यक्ति की मानसिकता अच्छी होगी वह कभी किसी के अवगुण नहीं गिनाएगा, जिसकी ओछी मानसिकता होती है वह कभी किसी के गुण नहीं गाता, हर बात की शुरुआत में अवगुण बताता है, दोष बताता है, कमजोरियां दिखाता है, खामियां गिनाता है, देखो ये ऐसा है ऐसा ऐसा, बात ही ऐसी बन जाती है। और चौथी बात, नकारात्मक सोच, अमान्यता, अनुदारता, ओछी मानसिकता, नकारात्मक सोच ईर्ष्या को पनपाएगी।
तुम्हारे अंदर जितनी नकारात्मकता होगी तुम्हारे हृदय की ईर्ष्या उतनी प्रबल होगी। तो ये तो कारण हो गए, लक्षण भी बता दिया, कारण भी बता दिया। महाराज ये तो हम सब जानते हैं, आप तो ये बताओ निवारण क्या है, है ना? निवारण चार बातें। ईर्ष्या का निवारण करना चाहते हो, सबसे पहली बात उदार बनिए, उदारता अपनाइए, उदारता अपनाइए। कोई हर व्यक्ति के प्रति उदार बनिए, जिनसे आपके संबंध है उनके प्रति उदार बनिए। चलो मैं नहीं तो ये सही, एक ही बात है मैं हूं चाहे ये है, ये भाव आना चाहिए। मैं आगे नहीं बढ़ सका कोई बात नहीं, ये तो बड़ा बात तो एक ही, कोई एक तो बड़ा, मैं स्वयं बढ़ूं या मेरा कोई अपना अजीज बढ़े, बात एक है। अगर उदार होगा मन तो यही होगा, और अनुदारता होगी तो जीवन पिछड़ जाएगा। उदार बनिएगा ईर्ष्या कभी नहीं पनपेगी, उदार व्यक्ति पक्षपाती भी नहीं बनता, उसके हृदय में ईर्ष्या भी नहीं पनपती, वो सबको साथ लेकर के चलता है, अपने से पहले औरों का ख्याल करता है, सामने वाले की कोई कमी हो तो उसकी अनदेखी कर देता है और अच्छाई हो तो उसे स्वीकार कर लेता है। तो पहली बात उदारता अपनाइए, दूसरी बात ईर्ष्या से बचना है तो गुणग्राही बनिए, सामने वाले की प्रशंसा करना सीखिए, गुणग्राही बनिए। अगर किसी में कोई गुण है तो उस गुण को अपनाने का भाव जगाइए, गुणी की प्रशंसा कीजिए, गुण का गुणगान कीजिए, आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होगी। प्रशंसा करिए हृदय से, प्रशंसा, एक तो चाटुकारी की प्रशंसा होती है, मुंह पे तो प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे ठिकाने लगाने की बात करते हैं, वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, वैसा मत करना। अंतर मन से प्रशंसा का भाव उमड़ना चाहिए, हृदय से प्रसन्नता प्रशंसा प्रकट होनी चाहिए कि नहीं यही ठीक है, यही मार्ग है, आपने किया अच्छा किया। अगर आप गुणों को ग्रहण करने की आदत डालेंगे, सामने वाले की प्रशंसा करोगे तो आपके हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, और अगर आप सामने वाले की प्रशंसा करेंगे तो उसकी आपके प्रति आत्मीयता बढ़ेगी। प्रशंसा करने की आदत डालिए। नंबर तीन, अपनी लाइन लंबी कीजिए। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है अपनी लाइन लंबी कीजिए, दूसरे की लाइन काटने में शक्ति क्यों लगा रहे हो? सामने वाले की लाइन छोटी करने की जगह अपनी लाइन बड़ी कर लो, अपने आप छोटी हो जाएगी। आज लोग पूरी शक्ति नकारात्मक दिशा में लगाते हैं, अपनी लाइन को बड़ी करने की जगह सामने वाले की लाइन को छोटी करने में ही अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अपनी लाइन लंबी कीजिए, जितनी बन सके लाइन को लंबी करने की कोशिश कीजिए। आप खुद आगे बढ़ो, पर किसी को पिछाड़ने का प्रयास मत करो। देखिए दो तरह के प्राणी, एक है मछली और एक है केकड़ा, दोनों जल जीव हैं, लेकिन मछली और केकड़े के स्वभाव में अंतर आप जानते हैं। मछली क्या करती है, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन केकड़े के साथ क्या होता है, एक केकड़ा आगे बढ़ता है तो चार केकड़ा उसके टांग खींचते हैं। मछली में प्रतिस्पर्धा है और केकड़े में प्रतिद्वंद्वता। प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास बुरा नहीं है, सामने वाले को पीछे ढकेलने की कोशिश चेष्टा बुरी है। किसी को पीछे मत ढकेलो, खुद को आगे बढ़ाओ ना अपनी ताकत के बल पर, वो तुम्हारे जीवन की उपलब्धि होगी, उसी के बदौलत तुम कुछ अच्छा कर पाओगे, वो प्रयास तुम्हारा होना चाहिए। खुद को आगे बढ़ाओ,
खुद को आगे बढ़ाइए, खुद की लाइन लंबी कीजिए, पूरी एनर्जी सामने वाले को नीचा दिखाने में लोग लगा देते हैं, पा कुछ भी नहीं पाते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। एक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ जा रहे थे, देखते क्या है, एक युवक, एक व्यक्ति तालाब के किनारे केकड़े पकड़ रहा और उसकी टोकनी खुली है और एकदम पानी के पास है, केकड़े कुछ केकड़े उसके टोकने में है। युवकों ने देखा तो अपने प्रोफेसर से कहा कि सर ये आदमी बड़ा बेवकूफ़ मालूम पड़ता है, एकदम पानी के किनारे खुली टोकनी लेकर के बैठा है और केकड़े उसमें, केकड़े छलांग मारेंगे पानी में चले जाएंगे, उसकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। प्रोफेसर मुस्कुराया और कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले तुम नहीं जानते ये केकड़े। बोले केकड़े तो क्या हुआ? बोले तुम्हें नहीं मालूम ये पैदाइशी राजनीतिज्ञ है, ये पैदाइशी जन्मजात राजनीतिज्ञ है। बोले क्या मामला है? बोले एक केकड़ा ऊपर जाएगा चार नीचे टांग खींचेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे, ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज यही दशा है समाज में, केकड़ों की भरमार है, मछली नहीं दिख रही। मछली बनकर आगे बनो बढ़ो, केकड़ा बनने की कोशिश कभी मत करिए। तो मैंने आपसे कहा उदार बनिए, गुणग्राही बनिए, सामने वाले की प्रशंसा करना सीखिए, अपनी लाइन लंबी कीजिए और सकारात्मक सोचिए। हर स्थिति में जब आप सकारात्मक सोचेंगे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनेगी, हृदय में कभी ईर्ष्या का मनोभाव विकसित नहीं होगा और उससे हमारा जीवन धन्य होगा, जीवन निहाल होगा। यह प्रयास हमारा होना चाहिए। अपना अंदर ऐसी बात होगी तो सारा कार्य बनता रहेगा। ये तो ही ईर्ष्या, ईर्ष्या के लक्षण बताए, कारण बताए और निवारण के उपाय भी बता दिए। अब महाराज थोड़ा ये भी बता दीजिए कि हमारे प्रति किसी की ईर्ष्या हो तो उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करें। बस वो जितना ईर्ष्यालु हो आप उसके प्रति उतना प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए। आपकी आत्मीयता जितनी प्रकट होगी सामने वाले की ईर्ष्या उतनी कम होगी। ईर्ष्या है ठीक है, उसके हृदय में आप कोशिश कीजिए कि आप उसके प्रति उसकी ईर्ष्या से प्रभावित ना हो, उसके प्रति अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए। आज नहीं कल उसका हृदय पलटेगा और जीवन में बदलाव आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला पूरे विश्व भर से उनके प्रशंसकों ने उनको बधाइयाँ दी, लेकिन उनका एक पड़ोसी था वो इससे बिल्कुल जल भुन गया। वो हमेशा ये कहता है कि आदमी तो अंग्रेजों की चाटुकारिता के बल पर सेटिंग से नोबेल प्राइज पाया है, नोबेल प्राइज पाने लायक नहीं है। कई तरह की बातें लोगों के बीच वो करता था। रविन्द्रनाथ टैगोर इन सब बातों से अनभिज्ञ होकर एक दिन जब वो सुबह घूमने गए और घूम करके लौट रहे थे, सीधे उसके घर पहुँच गए और चरण छू लिया। घर पहुंच करके चरण छू लिया, का आशीर्वाद चाहता हूं, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सामने वाला भौचक का, इतना बड़ा आदमी जिसे नोबेल प्राइज मिला सारे विश्व में जिसके प्रशंसक, वो आदमी मेरे चरण छू रहा और मुझसे कह रहा आपकी कृपा से मुझे एक ये अवार्ड मिला है। उसने तत्क्षण उसे छाती से लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू के धार बहने लगे। बोले रविंद्र सच में नोबेल प्राइज के अधिकारी तुम जैसे लोग ही हैं। मैं तो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या करता था, मैं तो लोगों से कहता था कि तुम गलत तरीके से ये कर रहे हो, लेकिन आज सच्चाई का बोध हुआ है, तुम ही सही तरीके से इसके पाने के अधिकारी हो, तो तुम ही इसको प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसी ईर्ष्या अगर किसी के हृदय में हो तो आप अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार रखिए, उसकी ईर्ष्या से अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए। कई बार हमारे मन में होता है वो मुझसे ईर्ष्या कर रहा है, मैं उससे ईर्ष्या कर रहा है, ये सोचते हैं तो हमारे अंदर ऐसे नेगेटिव वेव जो प्रकट होते हैं कि उससे ईर्ष्या की भावना उसके तरफ उसके हृदय में बढ़ती है और हमारे अंदर का प्रेम घटने लगता है। आप उससे प्रभावित रहिए, उसके हृदय में ईर्ष्या है उसको ईर्ष्या करने दीजिए, मुझे ईर्ष्या का पाठ नहीं पढ़ना। मैं भी जब मौका आएगा तो उसकी प्रशंसा ही करूँगा, आलोचना नहीं करूँगा। और अपने आप आज नहीं कल वो रास्ते को अपनाएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। समय आप सबका हो गया है। आज अंदर के पापों को समन करने के लिए एक ईर्ष्या के विकार से बचने की बात मैंने आप सबसे की। सबके हृदय में ऐसे ईर्ष्या के विकार से बचने का मनोभाव जागृत हो और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, इसी शुभ भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ।
बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत्स श्री विद्यासागर जी।